दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल आज खेला गया और आज भारतीय टीम ने अपने कल के स्कोर 99 रन से आगे खेलना शुरू किया था और दूसरे दिन भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि दूसरे दिन रहाणे और रोहित शर्मा मात्र 15 रन ही जोड़ पाए थे कि रहाणे को जैक लीच ने आउट कर दिया और रहाणे 7 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम का चौथा विकेट 114 रन के स्कोर पर गिर गया और रहाणे के आउट होने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए ऋषभ पंत आए, लेकिन कुछ देर बाद ही जैक लीच ने भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका देते हुए रोहित शर्मा को आउट कर दिया और भारतीय टीम का पांचवा विकेट 115 रन के स्कोर पर गिर गया और रोहित शर्मा 11 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर आउट हुए और इसके कुछ देर बाद ही ऋषभ पंत भी जो रूट की गेंद का शिकार हुए और ऋषभ पंत 1 रन बनाकर आउट हुए। अब भारतीय टीम के 117 रन के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद 125 रन के स्कोर पर एक बार फिर से जो रूट ने भारतीय टीम को सातवां झटका देते हुए वाशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया और वाशिंगटन सुंदर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं जो रूट ने इसी ओवर में अक्षर पटेल को भी आउट कर दिया और अक्षर पटेल भी अपना खाता नहीं खोल पाए। इसके बाद 134 रन के स्कोर पर एक बार फिर से जो रूट ने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका देते हुए रविचरण अश्विन को आउट कर दिया और अश्विन 17 रन बनाकर आउट हुए और अब भारतीय टीम के 134 रन के स्कोर पर 9 विकेट गिर चुके थे। और इसके बाद कप्तान जो रूट ने भारतीय टीम को आखिरी झटका देते हुए जसप्रीत बुमराह को आउट कर दिया और भारतीय टीम 145 रन बनाकर आउट हुई, जहां इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने सबसे ज्यादा 8 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं जैक लीच ने 4 और जोफ्रा आचर को 1 विकेट हाथ लगी है। भारतीय टीम इंग्लैंड से मात्र 33 रन आगे है और ये सेशन पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में रहा है। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरह वापसी कर ली है। दोस्तों, आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।